नमस्कार। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर स्पेशल कवरेज आप हमारी देख रहे हैं वोटों की बारात। आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार में मुलायम सिंह यादव की एंट्री हो चुकी है। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने पर तैयार हो चुके हैं। मुलायम सिंह यादव 11 फरवरी को इटावा, 13 फरवरी को मैनपुरी की सभी विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार करने वाले हैं। 13 फरवरी के बाद मुरादाबाद, रामपुर में भी चुनाव प्रचार करेंगे मुलायम यादव। मुलायम ने कहा है कि यूपी में अखिलेश यादव ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और शिवपाल यादव के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिवपाल अलग पार्टी नहीं बनाएंगे। कई बार रूठने और मनाने के बाद अब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव को अखिलेश चाहिए दोबारा। कई बार मना करने और फिर मान जाने के बाद मुलायम सिंह यादव एक बार फिर मान गए हैं कि वो अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि मुलायम सिंह पहले भी अखिलेश के प्रचार की कई तारीख दे चुके हैं, तो इस बार नेताजी ने बेटे अखिलेश के चुनाव प्रचार के लिए कौन सी तारीख तय की है उन्हीं से जान लेते हैं। चलिए, नेताजी ने ये तो मान ही लिया कि वो बेटे अखिलेश का प्रचार करेंगे, लेकिन क्या वो बेटे अखिलेश के खिलाफ झंडा बुलंद किए भाई शिवपाल यादव का भी प्रचार करेंगे? क्यों नहीं जाएंगे शिवपाल का? आप यही सवाल पूछा है, शिवपाल का प्रचार क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन शिवपाल यादव तो 11 मार्च के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं। फिर नेताजी शिवपाल यादव पर क्यों मुलायम बने हुए हैं? शिवपाल यादव कैसे बनाएगा? हमसा बात नहीं होगी, पार्टी से बात नहीं होगी, अब किसी तरह गुस्से में क्या चाहिए। चलिए, शिवपाल यादव ने तो गुस्से में कह दिया होगा कि वो नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन क्या गठबंधन के खिलाफ नेताजी ने जो बयान दिया था वो भी गुस्से में दिया था? नहीं, ये जो गठबंधन हुआ है नेताजी, आपको थोड़ा सा बुरा तो लगा? आपने कहा था गठबंधन के खिलाफ हूँ मैं, जो कांग्रेस से गठबंधन हुआ। अब वो ठीक है, कर लिया तो अब क्या? अब पीछे की बात भुला दी आपने। हाँ, सबने मिलकर कर लिया। पार्टी का प्रचार करेंगे आप, कांग्रेस का भी करेंगे क्योंकि गठबंधन में है? अरे सबका करेंगे जो गठबंधन। तो कुल मिलाकर मुलायम सिंह ने मान लिया है कि अब सब ठीक है, लेकिन सियासी पंडित तो कह रहे हैं कि दरअसल मुलायम इसलिए मान गए हैं क्योंकि इस गठबंधन के जरिए 2019 यानी केंद्र की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव का है तब पूछेंगे, अभी पार्लियामेंट का चुनाव कहाँ हो रहा है। चलिए, जब नेताजी यानी खुद ही मुलायम ये कह रहे हैं कि वो कल से चुनाव में अखिलेश के लिए प्रचार करेंगे, तो अब कल होने में वक्त ही कितना है, पता लग ही जाएगा कि नेताजी रूठे रहेंगे या फाइनली मान गए हैं। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। और इस पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी विशाल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। विशाल, रूठना मनाना उसकी तस्वीर कुछ हद तक अब साफ हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात मुलायम सिंह यादव कह चुके हैं कि वो 11 फरवरी से प्रचार करेंगे, लेकिन 11 को ही पहले फेज की वोटिंग है। क्या ये माना जाए कि पहले फेज के लिए प्रचार नहीं करना चाहते मुलायम सिंह यादव? देखिए पूर्णिमा, अभी तक जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक पहले चरण में शायद मुलायम सिंह यादव अभी चुनाव प्रचार में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के। अंतिम जो दिन है 9 फरवरी ही पहले चरण का चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने 11 फरवरी को इटावा जो कि जसवंत नगर विधानसभा के ताखा इलाके में अपने चुनाव प्रचार करेंगे, इसके अलावा 13 फरवरी को मैनपुरी की सभी 5 विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे और 13 फरवरी के बाद मुरादाबाद और रामपुर जो कि आजम खान का क्षेत्र है वहां भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। अभी ये 4 कार्यक्रम फिलहाल तय हुए मुलायम सिंह यादव के ऑफिस के द्वारा, जहां पर मुलायम सिंह यादव चुनाव के रैलियां करेंगे। पूर्णिमा, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीर उत्तर प्रदेश चुनाव की, मुलायम सिंह यादव चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे, 11 तारीख फिक्स कर दी है उन्होंने।
और उत्तर प्रदेश में राजनीति की रामलीला भी चल रही है। यहाँ पर रावण है तो जाहिर है राम भी होंगे, जिनका राजनीतिक वनवास चुनाव आते ही एक बार फिर से खत्म हो चुका है और बीजेपी के हर नेता की जुबान पर एक बार फिर से राम विराजमान हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने साल 1989 देखा जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 57 सीटें मिली। साल 1991 भी देखा जब बीजेपी को सबसे ज्यादा 221 सीटें मिली। साल 2012 भी देखा जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को महज 47 सीटें मिली। लेकिन इतने सालों में नहीं देखा तो राम मंदिर। राम के नाम से क्या है वोटों का काम, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म होगा। चुनाव से 5 दिन पहले उत्तर प्रदेश में राम नाम की लूट शुरू हो गई है, यानी राम नाम के सहारे सियासी वनवास को खत्म करने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमको बहुमत मिलता है तो हम बहुत बड़े फैसले ले सकते हैं, चाहे तलाक का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो। राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? चुनावों के ठीक पहले कभी राम म्यूजियम तो कभी पत्थर पूजा, इससे ये तस्वीर बन रही थी कि राम का सियासी वनवास खत्म होने वाला है। और देखिए, बात राम के नाम के सियासी फायदे की हो तो नेताजी कभी निराश नहीं करते। तो राम मंदिर का जो मामला है बड़ा जोर शोर से हम उठाएंगे, और उठाएंगे नहीं, हम इस समस्या का समाधान करेंगे, हल करेंगे, चाहे और कानून की दृष्टि से करेंगे, कानूनी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फिर और आगे भी कदम उठाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा ना, जो परिस्थिति होगी उस हिसाब से काम करेंगे। आखिर चुनावों से ठीक पहले बीजेपी के लिए राम मंदिर देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता है, और चुनाव के बाद यही सबसे बड़ा मुद्दा कोर्ट के फैसले पर कैसे टिक जाता है, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों को समझने की जरूरत है आपको। साल 1989 में जून महीने में बीजेपी ने पालमपुर प्रस्ताव में मंदिर आंदोलन के समर्थन का फैसला लिया, और फिर भारतीय जनता पार्टी मंदिर आंदोलन के साथ खड़ी हो गई। इसी साल यानी 1989 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, और साल 1985 के चुनावों में 16 सीटों पर अटकी बीजेपी 1989 के चुनावों में 57 सीटों पर पहुंच गई। और यहीं से आरोप शुरू हुआ कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या केवल बीजेपी के राम है? करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, और राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? ये चुनाव का मुद्दा नहीं होता है, लोग जोर देते हैं, आस्था का मुद्दा है, और आस्था को कोई हटा नहीं सकता। 1991 तक न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, और ये नारा गूंजने लगा कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और इसी साल 1991 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे ज्यादा 221 सीटें मिली। दिसंबर 1992 में विवादित ढांचा गिरा दिया गया, और उसके बाद साल 1993 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 177 सीटें मिली, और फिर 1996 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को 174 सीटें हासिल हुई। 1996 के बाद से धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा कमजोर पड़ने लगा। उत्तर प्रदेश में 2002 के बाद से ही बीजेपी 100 सीटों के भीतर सिमटने लगी। वही उत्तर प्रदेश के 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 47 सीटें ही मिली। हालांकि ये बात भी गौर करने लायक है कि एक पार्टी राम मंदिर बनाने के पक्ष में है तो दूसरी कोई पार्टी इसका विरोध नहीं करती, वो सिर्फ बीजेपी को राम के नाम का फायदा लेने वाली सांप्रदायिक पार्टी बताती है। सही में अगर इनको राम मंदिर बनाना होता, 2.5 साल इनकी सरकार थी, कुछ कानूनी कार्रवाई आगे करते तो, या कम से कम सुप्रीम कोर्ट से तो कहते कि अपना निर्णय जल्दी जल्दी दो। वैसे तो हर चीज पे लड़ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, इस विषय पे क्यों नहीं लड़ लेते? तो क्या ये माना जाए कि मंदिर के नाम पर बोलने वाले और चुप रहने वाले दोनों ही ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं?
सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक शब्दों से राजनीतिक बंटवारा करके। 1996 से लेकर 2015 तक के हर चुनावी दौर में राम नाम पर यही तस्वीर सामने आ रही है और अब उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक 5 दिन पहले राम के नाम का सियासी इस्तेमाल ये सवाल खड़े कर रहा है कि ये राम नाम से यारी है या यूपी की जंग जीतने की तैयारी है। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।